दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जिला चंबा के भटियात क्षेत्र की पंचायत गोला में प्रधान रेणु कुमारी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया। ग्राम सभा की बैठक में लगभग 150 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। ग्राम सभा की बैठक में बीपीएल का मुख्य मुद्दा रहा। बैठक में लगभग 50 के करीब लोगों का बीपीएल की श्रेणी में चयन किया गया। ग्राम सभा की बैठक में जल जीवन मिशन अभियान के तहत पंचायत गोला में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजन किया। ग्राम पंचायत प्रधान रेणु कुमारी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता राजेश्वर शर्मा व शिमला से आए हुए जल शक्ति विभाग के निदेशक चंदन भरद्वाज द्वारा बैठक में मौजूद लोगों को जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी दी। उन्होंने ग्राम सभा में उपस्थित लोगों को हर घर नल से जल आपूर्ति और पीने के पानी की समस्या, पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए आदि विषयों की जानकारी दी। इस मौके पर जल शक्ति विभाग के निदेशक चंदन भारद्वाज, सिंहुता से सहायक अभियंता राजेश्वर शर्मा, हटली से कनिष्ठ अभियंता अशोक कुमार, बीआरसी मन बहादुर, जल जीवन मिशन के एक्सपर्ट सुरजीत राणा, टीम मेंबर शिवानी राणा, साहिल सुमित तथा ग्राम पंचायत प्रधान रेणु कुमारी, उप प्रधान मुकेश कुमार, सचिव दिलीप सिंह, बीडीसी सदस्य अर्जुन सिंह, पशु चिकित्सालय के फार्मासिस्ट रविंद्र ठाकुर व वार्ड पंच और समस्त जनता मौजूद रही। आज ग्राम पंचायत गोला जो विकासखंड भटियात के अंतर्गत आती है और जल शक्ति विभाग डलहौजी डिवीज़न के अंतर्गत पंचायत में आज कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति विभाग और आईएससी इम्प्लीमेंटिंग स्पोर्ट एजेंसी माँ सरस्वती सोसाइटी के माध्यम से किया गया। और यहाँ पर लोगों के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके पुनरुद्धार और संरक्षण के बारे में लोगों को समझाया गया। जो पानी गांव के लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए लेते हैं, चाहे वो प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे वो जल शक्ति विभाग के द्वारा चलाई हुई स्कीमें हैं, उन स्कीमों के बारे में लोगों को समझाया गया, बताया गया और जल संरक्षण के बारे में उनको पूरी जानकारी दी गई। साथ में जो पानी वो पी रहे हैं, क्या वो पानी शुद्ध है या पानी उसमें कोई अशुद्धि तो नहीं है, उसके बारे में उनको पानी की गुणवत्ता के सारे मापदंडों के बारे में बताया गया और मापदंड वो सारे टेस्ट जो हैं वो करके लोगों को बताए गए, जिसमें ज़्यादातर भागीदारी महिलाओं की, माताओं की और बहनों की रही। और बाकी गाँव के जो प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इस पूरे चर्चा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और आगे आने वाले समय में जो पानी की स्कीमें हैं वो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी के द्वारा चलाई जाएंगी, उसके लिए लोगों को तैयार किया गया और उस कमेटी का निर्माण आज की ग्राम सभा में किया गया। ठीक है, माननीय प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, इस पंचायत के हमारे सम्माननीय प्रबुद्ध नागरिक, युवा साथी और मातृशक्ति, आज मैं आपके सम्मुख जल शक्ति विभाग सिहुता की तरफ से आया हूँ। मेरे से पहले इस जो विषय आज आपके सम्मुख रखा गया उसके बारे में विस्तार से बताया, मैं ज़्यादा विस्तार से न जाता हुआ कुछ एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा। हमारे जो यहाँ पे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, तो मैं आज से 30 या 40 साल पहले की बात करता हूँ कि उस टाइम में गांव में एक सरकारी नल होता था और सभी लोग वहाँ से पानी भरते थे और बाकी की जो ज़रूरतें हैं वो अपने जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, पनियारा हो गया, बौड़ी होगी, वहाँ से पूरी करते थे। और हमारी माताएं बहनें अगर पास में कोई खड्ड है या नाला है, उस टाइम में ये इतना प्रदूषण नहीं होता था और हमारे ये जो नदी नाले हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे होते थे। और उस समय हमारी माताएं बहनें अपने कपड़े वगैरह परिवार के वहाँ पे धोती थी। शायद आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, तो आजकल इतना प्रदूषण है कि
कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो अपने ये कपड़े वगैरह वहाँ पे नहीं धो सकती हैं, क्योंकि लोगों ने अब घर से बाहर जाना ही छोड़ दिया। अब हर घर में नल लग रहा है विभाग की तरफ से। अभी माताएं जो हमारी बैठी हुई थी उन्होंने बताया कि उनके घर में नल नहीं लगा, तो अब सितंबर में जो जिनके घर हमारे से छूट गए हैं उनके घरों में भी हम नल लगाने जा रहे हैं। तो आज मेरा जो विषय है बोलने का, मैं आज वाटर क्वालिटी और वाटर कंजर्वेशन पर अपना फोकस रखूंगा, पानी की गुणवत्ता और पानी का संरक्षण। तो पानी की गुणवत्ता जैसे हमारे लोकल सोर्सेस हैं, तो वो उनकी गुणवत्ता तभी रहेगी जब आप उसके इर्द गिर्द प्रदूषण ना फैलाएं। अब हमारी जो स्कीम है, जो गोड़ा स्कीम आती है हटली गोड़ा, वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बतूनी से आती है। जो इस बार प्राकृतिक आपदा आई है उसकी वजह से हमारे जो सोर्सेस हैं और लाइनें हैं वो डैमेज हो गई हैं, और इस बार आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया, अपने प्राकृतिक स्रोतों से अपनी जरूरतें पूरी की, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। किसी का कभी फोन नहीं आया, नहीं तो अदरवाइज गर्मियों में तो चलो यहाँ से कई बार मेरे को फोन करते थे लोग, लेकिन आपको भी पता था कि इस बार आपदा आई है। तो आपदा क्यों आई? क्योंकि लोगों ने अब जंगलों में संरक्षण करना छोड़ दिया, जंगलों के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी, अवैध कब्जे करने शुरू कर दिए, अवैध निर्माण शुरू कर दिए, तो उसकी वजह से ये जो दिक्कत है वो आई है। अब ये वो हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आने वाले वक्त में ये जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं वो उसके ऊपर हमारी निर्भरता नहीं रहेगी, और हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं, जैसे ही वो राणा साहब बता रहे थे यहाँ पे ये फलाना नाड़ा है या बोड़ी है, वहाँ से हम हर वार्ड के लिए या पंचायत के लिए कोई स्कीम बनाएंगे। हम सिमता में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारे एक सिमता में एक प्राकृतिक स्रोत है, वहाँ छुट्टी है, लोग चरवाहे हैं, पशु वगैरह चारागाह में लेके जाते हैं, किसी की नज़र पड़ती है तो हमारे जो विभाग के प्राधिकारी हैं या वर्कर हैं उनको उनके ध्यान में लाएं, और जो आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, पनियारे हैं, बॉडियाँ हैं, उनका प्लीज़ कृपया करके संरक्षण करें। मैं वही बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये पनियारे आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने इनका संरक्षण करना छोड़ दिया है, हमने इनकी देख रेख करनी शुरू कर दी है। पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो महीने में एक एतवार उसकी सफाई करते थे, लेकिन आने वाले समय में अब पूरी निर्भरता आपकी विभाग के ऊपर हो गई है, तो आपने पनियारों का संरक्षण करना छोड़ दिया। तो मेरा सभी जो यहाँ पे पधारे हुए हैं उनके साथ ये निवेदन रहेगा कि आप अपने जो पुराने पनियारे हैं, वाटर बॉडीज हैं, कृपया करके उनका संरक्षण करें और विभाग के साथ सहयोग करें। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो विभाग के ध्यान में लाया जाए, ताकि हम आपका जो समस्या का है वो निवारण करें। ज़्यादा ना मैं कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय भारत।